कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं खूब अच्छे होंगे, मजे में होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और भगवान से प्रे करती हूँ कि आप सब भी बहुत अच्छे हैं। तो हे गाइस, सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब अच्छे रहो, भगवान से प्रार्थना है हमारी। तो गाइस, आज हम ना सुबह में उठे हैं और आज है अभी खाना बना ही रहे हैं। तो चलिए आप सबको आज दिखाएंगे हमारे यहाँ नवरात्र पर क्या क्या बनते हैं और क्या क्या जो है भगवान को, मतलब कलश स्थापन तो घर पर नहीं बैठाए, इसीलिए नहीं बैठाए। तो आप सब बने रहिए ब्लॉग में और दिखाएंगे आप सबको आज नवरात्रि पे क्या सब हो रहा है हमारे यहाँ। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। यहाँ पे असल पूजा हो रहा है, यहाँ सुबह सुबह उठ के। हाँ, सिंदूर लगा रही है। तो गाइस, चलते हैं आंगन क्योंकि मैं अभी खाना बना रही हूँ और आप सबको आज दिखाऊंगी कि खाने में क्या क्या बना रही हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं खाने में बन रहे हैं ये सरसों का साग, और यहाँ पे सरसों का साग बन रहे हैं और बनेंगे यहाँ पे देख सकते हैं कि आलू गोभी बैंगन की सब्जी, ये धनिया पत्ता है, ये बैंगन है, और यहाँ पे आलू और क्या बोलते हैं गोभी हमने उबाल रखा है, और यहाँ पे दाल बन चुकी है अब जो है। और जो और इससे आगे बनेंगे चूल्हे पे तो वो आप सबको हम दिखाएंगे, तो बने रहिए हमारे इस ब्लॉग में। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि चावल बन रहे हैं और यहाँ पे सब्जी बनाई जा रही है, और वहाँ पे पीछे देख सकते हैं कि आलू चिप्स पापड़ सब ये सब हो चुके हैं। यहाँ पे सब्जी है और उसके बाद साग बनेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि चावल दाल, यहाँ पे चिप्स पकोड़े बन के रेडी है, बाकी यहाँ पे सब्जी और उसके बाद जो है साग बनना अभी बाकी है, तो वो सब मैं बना रही हूँ। बाकी बहुत ज़्यादा धुआँ आ रहा है गैस क्योंकि चूल्हे पर बन रहे हैं ना, इस वजह से। और हाँ गैस, ये सब बनाने में मतलब जो लोग बिहार से होंगे वो लोग समझ चुके होंगे, जो आज जो है फर्स्ट नवरात्रि है तो आज जो है मतलब बिहार में ना हर घर में मतलब आज जो है ये सब बनाएंगे, दाल चावल सब्जी जिसको जितना मन होगा उतना बनाएंगे, जो घर के गोसाई होते हैं ना उनको वो चढ़ाते हैं, तो यही होगा हमारे घर में भी चढ़ाएंगे ये सब बनने के बाद। और उसके बाद जो है माँ दुर्गा माता होती है उनका अलग प्रसाद बनता है, जिनका जिसको मन होता है हलवा बना के चढ़ाने के लिए तो वो हलवा बना के चढ़ाते हैं, जिसका मन होता है लड्डू चढ़ाने के लिए लड्डू चढ़ाते हैं, जिसका मन होता है केला मिश्री चढ़ा, जिसको जितना मन होता है उतना वो चढ़ाते हैं। तो हमारे घर में भी लड्डू अकेले माता जी को चढ़ा दिए हैं सुबह में। यहाँ पे भी देख सकते हैं कि लावा बनाए थे, लावा इसलिए बनाए थे कि वो मतलब नाग देवता को चढ़ाएंगे दूध लावा, तो वो उनको चढ़ा दिए, और बाकी ये सब जो है घर के गोसाई के लिए बन रहे हैं, तो ये इसीलिए इस वजह से ये सब बनते हैं। अब बाहर में क्या सब होता है मुझे उतना अभी पता नहीं है, लेकिन बाहर में भी होता होगा। दोस्तों, यहाँ पे हमारे भगवान जी, यहाँ पे मतलब पूजा वूजा कर लिए हैं, जो मतलब बाहर के भी महिला सब आई थी अभी पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं दूध लावा भी है, प्रसाद भी है, और यहाँ पे जो हमने बनाए थे दाल चावल सब्जी जो भी है वो मतलब चढ़ाई किए हैं अभी। उसके बाद जो है मतलब बाहर में जो मंदिर है, बगल में भी मंदिर है, वहाँ पर भी जाएंगे लोग पूजा करने। देख सकते हैं गैस कितना अच्छा लग रहा है, कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है, तो आप सब दर्शन कर लीजिए हमारे भगवान जी का, कितना प्यारा प्यारा भगवान है यहाँ पर। तो इससे आगे हम ब्लॉग जो है नहीं बना पाएंगे क्योंकि
सर में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहे थे, फिर भी मैंने आज फर्स्ट नवरात्रि थी इसलिए मतलब बना के सोची दे देते हैं आप सबको लिए। तो प्लीज़ वीडियो को कर देते हैं एंड, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा कोई भी ऐसा वीडियो अपलोड हो तो आप तक जो है तुरंत पहुँचे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ गैस, आप लोग अगर इंस्टाग्राम पर हमारे भी रील्स नहीं देखते हैं तो प्लीज़ जाइए सतज पाल, एक बार सर्च कीजिए, वहाँ पर हमारे बहुत अच्छे अच्छे रील्स अपलोड होती रहती है, तो प्लीज़ ज़रूर देखिए। और हाँ, भगवान से भी मैं ये प्रार्थना हमेशा करती हूँ कि जो भी हमें प्यार देते हैं, सपोर्ट करते हैं, उसे हमेशा भगवान जी खुश रखे। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।